नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आप सभी ने बाबा बैद्यनाथ के बारे में बहुत सुना होगा और वहाँ के दर्शन भी किए होंगे। हम अपने इस वीडियो में बाबा बैद्यनाथ की पौराणिक कथाओं के बारे में जानेंगे। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। 12 ज्योतिर्लिंगों में से पवित्र बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड के देवघर में स्थित है। कहते हैं बाबा भोलेनाथ यहाँ आने वाले सभी की मनोकामनाएँ पूरी करते हैं, इसीलिए इस शिवलिंग को कामना लिंग भी कहते हैं। बाबा बैद्यनाथ धाम की कथा कुछ इस प्रकार से है। राक्षस राज रावण अभिमानी तो था ही, वह अपने अहंकार को भी शीघ्र प्रकट करने वाला था। एक समय वह कैलाश पर्वत पर भक्ति भाव पूर्वक भगवान शिव का आराधना कर रहा था। बहुत दिनों तक आराधना करने पर जब भगवान शिव उस पर प्रसन्न नहीं हुए, तब वह पुनः दूसरी विधि से तप साधना करने लगा। उसने सिद्धि स्थल हिमालय पर्वत से दक्षिण की ओर सघन वृक्षों से भरे जंगल में पृथ्वी को खोदकर एक गड्ढा तैयार किया और उस गड्ढे में अग्नि की स्थापना करके हवन प्रारंभ कर दिया। भगवान शिव को वहीं अपने पास ही स्थापित किया था। तप के लिए उसने कठोर संयम नियम को धारण किया। वह गर्मी के दिनों में 5 अग्नियों के बीच में बैठकर पंचाग्नि सेवन करता था, तो वर्षा काल में खुले मैदान में चबूतरे पर सोता था और शीतकाल में गले के बराबर जल के भीतर खड़े होकर साधना करता था। इन 3 विधियों के द्वारा रावण की तपस्या चल रही थी। इतने कठोर तप करने पर भी भगवान से उस पर प्रसन्न नहीं हुए। कठिन तपस्या के बाद भी जब रावण को सिद्धि नहीं प्राप्त हुई, तब रावण ने अपना एक एक सिर काटकर शिव जी की पूजा करने लगा। रावण शास्त्र विधि से भगवान की पूजा करता था और उस पूजन के बाद अपना एक सिर भगवान को समर्पित कर देता था। प्रकार उसने अपने 9 सिर काट डाले। जब वह अपना अंतिम यानी कि 10वां सिर काटना ही चाहता था, तब भगवान उस पर प्रसन्न होकर साक्षात प्रकट हुए और रावण के सभी सिरों को पहले जैसे जोड़ दिए। भगवान ने रावण को उसकी इच्छा अनुसार अनुपम बल और पराक्रम प्रदान किया। भगवान शिव का कृपा प्रसाद ग्रहण करने के बाद नतमस्तक होकर विनम्र भाव से रावण ने हाथ जोड़कर कहा, देवेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न हुए, मैं आपकी शरण में आया हूँ और मैं आपको लंका लेकर चलना चाहता हूँ, आप मेरा मनोरथ सिद्ध कीजिए। इस प्रकार रावण के कथन को सुनकर भगवान शंकर असमंजस में पड़ गए। उन्होंने उपस्थित धर्म संकट को टालने के लिए कहा, राक्षस राज, तुम मेरे इस उत्तम लिंग को भक्ति भाव पूर्वक अपनी राजधानी में ले जाओ, किंतु यह ध्यान रखना, रास्ते में तुम इसे यदि पृथ्वी पर रखोगे तो वो वहीं वचल हो जाएगा। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। भगवान शिव से इतना सुनने के बाद रावण उस शिवलिंग को साथ लेकर अपनी राजधानी लंका की ओर चल दिया। रास्ते में रावण को लघुशंका की प्रबल इच्छा हुई और जब रावण उसे रोकने में असमर्थ रहा, तब उसे एक ग्वाला दिखाई दिया। उसने उस ग्वाला को कहा, थोड़ी देर आप इस शिवलिंग को पकड़ सकते हो, मुझे लघुशंका जाना है, जब तक मैं ना आऊँ इसे पृथ्वी पर ना रखना। ग्वाला तैयार हो गया और शिवलिंग को पकड़कर रावण का इंतजार करने लगा। कुछ समय बीतने पर ग्वाला शिवलिंग के भार से पीड़ित हो उठा और उसने शिवलिंग को पृथ्वी पर ही रख दिया और वहां से चला गया। कुछ समय पश्चात जब रावण वापस लौटा तो शिवलिंग को पृथ्वी पर पाया। उसने उस शिवलिंग को उठाने की बहुत कोशिश की पर असमर्थ रहा और निराश होकर वहां से चला गया। जब शिवलिंग लोक कल्याण की भावना से वहीं स्थिर हो गया, तब देवपुर के इंद्र या आदि देवताओं और ऋषि मुनि लोगों ने शिवलिंग संबंधी समाचार को सुनकर आपस में परामर्श किया और वहां पहुंच गए। भगवान शिव में अटूट भक्ति होने के कारण उन लोगों ने अतिशय प्रसन्नता के साथ शास्त्र विधि से उस लिंग की पूजा की और सभी ने भगवान शिव का प्रत्यक्ष दर्शन किया। इस प्रकार रावण की तपस्या के फलस्वरूप श्री बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे देवताओं ने स्वयं प्रतिष्ठित पूजन किया। कहते हैं जो भी मनुष्य श्रद्धापूर्वक भगवान श्री बैद्यनाथ का अभिषेक करता है, उसका शारीरिक और मानसिक रोग अतिशीघ्र नष्ट हो जाता है। इसीलिए बैद्यनाथ धाम में रोगियों एवं दर्शनार्थियों का विशेष भीड़ दिखाई देता है। इस प्रकार से हमारी आज की ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।